दोस्तों सीलिया का न्यू अपडेट आ चुका है प्ले स्टोर पे, ये आप सभी को मिल चुका होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे अब यहाँ पे न्यू अपडेट्स भी आपको देखने को मिले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आईसीयू का अपडेट प्रोवाइड किया गया है, यानी डेट के साथ यहाँ पे आईसीयू का अपडेट प्रोवाइड किया जा गया है कि इस डेट को हम आईसीयू लॉन्च करेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो ऑफिशियल लॉन्च है इनका एक्सचेंज, उसका अपडेट दिया गया है। तो ये जो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आए हैं ये हम देखेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पे माइनिंग का कॉइन रखा गया था उसको यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, यानी टोटल जो माइनिंग का कॉइन यहाँ पे रखा गया था उसमें कुछ इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सीलिया में माइनिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। कुछ लोग अकाउंट बनाना चाहते हैं तो लिंक हमने आपको वीडियो का दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, पूरा आप देख पाएंगे। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप अकाउंट बना सकते हैं और पूरा प्रोसेस भी बताया है। तो आप बना लीजिए अकाउंट, और क्योंकि अब यहाँ पे माइनिंग इंक्रीज कर दी गई है तो कुछ दिन और यहाँ पे अब माइनिंग चलने वाली है। तो देखते हैं कि अपडेट क्या है, सीधे सीधे टॉपिक पे चलते हैं। सभी जानते हैं मैं काफी सारी वीडियोस इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड कर चुका हूँ, छोटा बड़ा अपडेट जो भी होता है सबसे पहले प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इनकी तरफ से पहले भी कहा गया था कि B2 व्हाइट पेपर हम लेकर के आ रहे हैं। पहले वाला अगर आप इनका व्हाइट पेपर चेक करेंगे तो उस व्हाइट पेपर में और इस व्हाइट पेपर में बहुत ही ज्यादा फर्क है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख पाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसमें सीलिया मैचिंग इंजन, अवर फीचर लिस्टिंग, डिवाइस कन्वर्ट, मल्टीपल सपोर्ट, रेवेन्यू मॉडल। उसके बाद यहाँ पे सीलिया टोकन के रिगार्डिंग बताया गया है, एलोकेशन, आईसीयू, सीएलटी प्राइसिंग, सीएलटी वैल्यू, सीएलटी बर्निंग। देखिए बर्निंग का अपडेट पहले भी हम आपको कवर कर चुके हैं आप सभी के सामने, सीलिया माइनिंग और रोड मैप फंड यूजेस। तो हम सीधा यहाँ पे नीचे आते हैं और जो टोटल सप्लाई है उसको ही आप सभी के सामने यहाँ पे हम रखते हैं। देखिए जो इसकी टोटल सप्लाई है वो यहाँ पे 200 मिलियन बताई गई है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ सीलिया टोकन के रिगार्डिंग ये अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीलिया बिल इशू इट्स ऑन डिजिटल करेंसी नो एज सीलिया टोकन सीएलटी एज ए फिक्स सप्लाई फॉर 200 मिलियन सीएलटी विल क्रिएटेड एंड विल नॉट बी इंक्रीज इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में भी ये यहाँ पे बढ़ाई नहीं जाएगी। और ये जो 100 यानी 200 मिलियन है इसको भी यहाँ पे बर्निंग के साथ साथ कुछ यहाँ पे कम किया जाएगा। अब ये जो यहाँ पे आया है ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। अब ये क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आप माइनिंग का कॉइन देख पाएंगे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 72% कर दिया गया है माइनिंग का कॉइन, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइनिंग और एयरड्रॉप, इसमें एयरड्रॉप भी मिक्स है और माइनिंग भी मिक्स है। तो ये जो यहाँ पे रखा गया था पहले वो कितना रखा गया था, 60 मिलियन, और अब यहाँ पे कर दिया गया है 145 मिलियन। तो ये यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। अब यहाँ पे अगर 60 मिलियन रहता तो आप देखेंगे जनवरी 2024 तक ये लॉन्च हो जाता, यानी दिसंबर और जनवरी तक ये लिस्ट भी हो जाता और आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलता। अब यहाँ पे क्योंकि ये बढ़ा दिया गया है तो मैं आपको बता दूं इसका कारण क्या है। अभी मार्केट डाउन चल रहा है, साथ ही साथ बुल रन जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, उसके हिसाब से 2024 में देखने को मिलेगा। तो इनकी तरफ से इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे, मैं अभी आपको टाइम डेट भी दिखाऊंगा, जो यहाँ पे आईसीयू है उसके लिए बहुत ही कम कॉइन रखा गया, ये आप देख सकते हैं 7.5% कॉइन केवल आईसीयू के लिए रखा गया है। 5% कॉइन आप देखेंगे टीम फाउंडेशन के लिए रखा गया, 1% कॉइन आप देखेंगे प्री सेल के लिए रखा गया, 5% कॉइन आप देखेंगे सीलिया फाउंडेशन के लिए है, 9% कॉइन आप स्टेकिंग रिवार्ड के लिए है। तो ये सारा कुछ इसका कॉइन का अपडेट है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो अभी अपडेट है यहाँ पे डेट के साथ वो देखिए, उसके बाद आगे किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये जो यहाँ पे दिए गए हैं ये तो आप भूल जाइए, इनका हम लोगों के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। ये वाला जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ तक आपको 2022 और 2023 देखने को मिला, और ये जो यहाँ पे दोनों देखने को मिल रहे हैं ये 2024 के हैं। अब ये 2024 के हैं तो इसी में प्रॉब्लम्स है। आप देखेंगे 20/8/2024 तो यहाँ पे बताया गया है कि हम आईसीओ लेकर के आएंगे, जनरल पब्लिक सेल ऑफ एलोकेशन 100 मिलियन सीएलटी टोकन। अब यहां पे भी प्रॉब्लम है, वहां पे दिखाया जाता है कि लगभग 7.5% कॉइन हमने रखा है और यहां पे दिखाया जाता है कि 100 मिलियन है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं एक और चीज, ये आपको देखने को मिल रहा है 30/9/2024, यहां पे आप देखेंगे तो इसका बताया गया है लॉन्च, ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द सीलिया एक्सचेंज, एक्टिव ट्रेडिंग बिगेन विद द रिलीज ऑफ द न्यू एप वर्जन। यहां पे बताया जाता है कि एक्सचेंज भी लॉन्च किया जाएगा और ट्रेडिंग भी शुरू होगी इस समय के बाद में। प्राइस दिखा देता हूं, प्राइस क्या है, देखिए ये आप यहां पे देख पाएंगे प्राइस,
ठीक है। और मैंने इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए थे और मैं फिर से कुछ क्वेश्चंस करूंगा, तो आप सभी यहां पे जरूर सहयोग कीजिए। ये आप देख सकते हैं प्राइस बताए गए ड्यूरिंग द इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आईसीओ, यानी आईसीओ में क्या रखा जाएगा। इन्वेस्टर्स विल बी अपॉर्चुनिटी टू परचेज सीएलटी टोकन इन जस्ट फेस वन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिक, यानी पहले आओ पहले पाओ का यहाँ पे टोटल जो रखा जाएगा उसमें 100 मिलियन टोकन हैज बीन सोल्ड, यानी 100 मिलियन टोकन यहाँ पे बेचा जाएगा। द प्राइस ऑफ द टोकन फॉर 0.15, यानी लगभग आप देखेंगे 0.5 USDT पर टोकन यहाँ पे सेल किया जाएगा। फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द ICO विल बी प्रोवाइड बिफोर द, तो यहां पे ये प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको पता चल चुका होगा। यहां पे दिखाया जाता है कि 100 मिलियन है, अगर आप यहां पे देखते हैं आईसीओ में तो यहां पे दिखाया जाता है कि कितना है 7.5% है, ये आप यहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही कम कॉइन दिखाया जा रहा है लेकिन वहां पे आप देखेंगे पूरा पूरा 50% दिखाया जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही है। देख सकते हैं जो फंड यहाँ पे लगभग कॉइन सेल करके यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा उसका अपडेट दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 35% यूज किया जाएगा, कहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया है कि टीम भर्ती में हम यूज करेंगे जो भी यहाँ पे टीम वगैरह होगी। 50% हम कहाँ पे यूज करेंगे, यानी यहाँ पे ब्रांडिंग में यूज करेंगे सीलिया के, और जो यहाँ पे ब्लॉक चेन है उसका भी अपडेट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सेल्फ ब्लॉक चेन और बाइनेंस का अपडेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सीलिया एप्लीकेशन ओपन करते हैं, थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं, थ्री लाइन पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एफएक्यू वाला, एफएक्यू वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहां पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक आपको मिलता है यहां पे आप देख पाएंगे जनरल का, दूसरा लीगल का, तीसरा कॉन्टैक्ट सपोर्ट का। तो यहां पे जो आपका जनरल का ऑप्शन मिलता है इसी पे आपको क्लिक करना है। यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ये वाला, आप यहां पे देख सकते हैं ऑन व्हिच ब्लॉकचेन इज द सीलिया टोकन, सीलिया विल ऑपरेट ऑन द बाइनेंस ब्लॉकचेन। अभी जो सीलिया ऑपरेट किया जा रहा है वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे है, यानी बीएनबी पे है। इन द फ्यूचर फॉर सीलिया स्मार्ट चेन, यानी कहा जा रहा है कि हम फ्यूचर्स में यहां पे अपनी खुद की ब्लॉकचेन लेकर के आएंगे, यानी सीलिया स्मार्ट चेन सीएससी। तो यहाँ पे सीलिया स्मार्ट चेन हो गया, यही आपने देखा होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे फॉल फॉर्म इसकी क्या होगी वो प्रॉब्लम्स कर सकती है। इनेबल अदर बिल्डिंग अमेजिंग प्रोजेक्ट ऑन द ब्लॉकचेन, यानी फिर जब यहाँ पे खुद की ब्लॉकचेन आ जाएगी तो उस ब्लॉकचेन पे बहुत सारे और भी नए प्रोजेक्ट आएंगे, तो यहाँ पे और प्रॉफिट इन लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है 7.5% यहाँ पे कॉइन हमने रखा आईसीओ के लिए, वहां पे दिखाया जा रहा है कि 100 मिलियन रखा है। तो इसका मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करूंगा और इनके जो सीईओ हैं सीटीओ हैं और सीलिया फाइनेंस है सभी को टैग करूंगा। तो आप सभी को जरूर उसको लाइक रीट्वीट जरूर करना है जिससे जल्दी से जल्दी हम लोगों को इसका आंसर मिल सके। तो यहां पे अब काफी डिले कर दिया गया है, आप देखेंगे जो जनवरी फरवरी वाला था यहां पे लॉन्चिंग का अपडेट वो यहां पे रखा गया है, आप देखेंगे लगभग अगस्त सितंबर के समथिंग, तो यहां पे लगभग 6 से 7 महीने का यहां पे अंतर दे दिया गया है। तो ये यहां पे काफी बड़ा अंतर है, यानी अभी आप देख सकते हैं तो लगभग 9 महीने यानी आपका लगभग 1 साल के समथिंग यहाँ पे समय है। तो अभी देखना रहेगा कि किस तरीके के आगे के अपडेट आते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे एक्सपेक्टर रखा गया है इसमें कम भी हो सकता है क्योंकि इनकी जो माइनिंग जैसे ही खत्म हो जाती है वैसे ही ये सारे काम चालू हो जाएंगे। तो माइनिंग खत्म होना यानी आप मान सकते हैं 50 मिलियन कॉइन यहाँ पे माइन हो चुका है, तो आपका 145 यानी 50 और लगभग आप देखेंगे 90 मिलियन के समथिंग यहाँ पे बच जाता है कॉइन। तो ये जल्दी ही यहाँ पे कवर हो जाएगा क्योंकि इनकी जो कम्युनिटी है 1 मिलियन से ऊपर की इनकी कम्युनिटी है, तो एक कॉइन अगर पर डे यहाँ पे होता है उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ बहुत सारे लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम्स है एप्लीकेशन में, तो आप फॉरगॉट कर सकते हैं पासवर्ड, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ टाइम बाद आप ट्राई कर सकते हैं पासवर्ड को। इसका अपडेट सीलिया की तरफ से पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया था, सभी को अपना एप्लीकेशन अपडेट जरूर करना है। लॉग इन नहीं हो रहा है तो कुछ वेट कीजिए, फॉरगॉट पासवर्ड कर लीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, किसी अदर टॉपिक पर फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।